हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्सपर्ट नर्सिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, नर्सिंग ऑफिसर की परमानेंट वैकेंसी आप लोग के लिए आ चुकी है। बहुत ही अच्छी खुशखबरी यहाँ पे आ चुकी है आपके लिए कि बहुत दिनों बाद में नर्सिंग ऑफिसर की परमानेंट भर्ती आ गई, जिसके अंदर ऑल इंडिया के जो कैंडिडेट्स हैं वो फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। GNM और BSc नर्सिंग दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए ये वैकेंसी आ गई है। तो दोस्तों, इस वैकेंसी के अंदर आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम के थ्रू आपका सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करें कि इस वैकेंसी के ये वैकेंसी कहाँ की है। तो दोस्तों, ये वैकेंसी है, आप देख सकते हैं, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी UP लखनऊ की वैकेंसी है, जिसके अंदर ऑल इंडिया से जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। और इसका आप देख सकते हैं पे मैट्रिक्स जो रहने वाला है 44,900 से लेकर के 1,42,400, यानी लगभग जो आपकी सैलरी है लगभग 85,000 के आसपास आपकी सैलरी इसके अंदर आपको मिलेगी। और इसका जो है फॉर्म ऑनलाइन फिल किया जाएगा और ऑनलाइन इसकी वेबसाइट www.kgm.org पर जाकर के आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। उससे पहले आप जान लें कि अभी तक ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट नहीं हुआ है, आखिर कब तक स्टार्ट होने वाला है। जैसा कि आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ 22 जून को, और दोस्तों हम बात करते हैं कि आखिर इसका फॉर्म अप्लाई कब तक होना शुरू होने वाला है और कितने पदों पर ये वैकेंसी आएगी। तो बात करते हैं सबसे पहले, तो आप देख सकते हैं कि KGM में 1276 पदों पर स्टाफ नर्स की भर्ती होगी, यानी जो पद आने वाले हैं 1276 पदों पर ये भर्ती आपकी आएगी। और ये MyCity रिपोर्टर के द्वारा जो जानकारी दी गई है, क्योंकि उन्होंने किसी से बात की होगी उसके बाद में ही आपको ये जानकारी दी गई है, और उसमें आप देख सकते हैं साफ साफ कि किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में इलाज की सुविधा में अब और सुधार होने की उम्मीद जगी है, और इसके अंदर जो नर्सिंग ऑफिसर की 1276 पदों पर स्थायी भर्ती होने जा रही है, जिसका नोटिफिकेशन जल्द ही जारी किया जाएगा और अगले 10 दिनों में ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत हो जाएगी। यानी लगभग आप मान सकते हैं कि July 1st के अंदर ये KGMU का जो ऑनलाइन अप्लाई करने का जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो KGMU के द्वारा रिलीज़ कर दिया जाएगा, जो कि इसकी वेबसाइट www.kgmu.org पर जाकर के आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, 1276 पदों पर ये भर्ती आने वाली है, और इसके अंदर देख सकते हैं कि किंग जॉर्ज KGMU के द्वारा ये कुछ नोटिफिकेशन भी रिलीज़ किया गया था, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बताया गया कि शासन के निर्देश पर किंग जॉर्ज विश्वविद्यालय लखनऊ में नर्सिंग संवर्ग के पद नर्सिंग ऑफिसर में ऑफिसर विद्यमान रिक्तियों को कार्यहित तथा रोगी उपचार हित में तत्काल भरे जाने हेतु कार्यालय द्वारा प्रकाशित नियमित विज्ञप्ति अवलोकनार्थ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये विज्ञप्ति यहाँ पे जारी की गई है, जिसके अंदर आप साफ साफ देख सकते हैं ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर इन्वाइटेड फॉर फ्रॉम इंडियन सिटीजन फ्रॉम द रिक्रूटमेंट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर Level 7 पे मैट्रिक्स 44,900 से लेकर के 1,42,400 और थ्रो ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और डिटेल एडवर्टाइजमेंट आप देख सकते हैं www.kgmu.org पर जाकर के, जो कि कुछ ही दिनों में इसकी वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा। और किसी भी माध्यम से आप यदि बाई पोस्ट भेजते हैं तो बाई पोस्ट अप्लीकेशन स्वीकार नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही आप अप्लाई कर पाएंगे। जैसे शुरू होता है KGMU का इस नर्सिंग ऑफिसर भर्ती का परमानेंट वैकेंसी का फॉर्म, हम आपको इसकी अपडेट दे देंगे हमारे इस चैनल के माध्यम से। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पर ज़रूर से दबा लें। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये वैकेंसी फ़र्जी है, तो अभी तक तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये वैकेंसी फ़र्जी है, जहाँ तक लग रहा है ये वैकेंसी बिल्कुल सही ही लग रही है। बाकी अपडेट आपको जैसे कुछ और अपडेट मिलती है हम आपको इसकी अपडेट देते रहेंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।